नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते की भेद सुस्त शुरुआत हमने देखी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 85-40 जो इंपॉर्टेंट लेवल था, बाजार उसको आज ब्रीच नहीं कर पाया, उसके नीचे नहीं गया, वहीं से एक टर्न अराउंड बनता हुआ नजर आया, लेकिन एक दायरे में है। बहुत दिनों से 85-87 का एक दायरा बना हुआ है मार्केट्स में, वो ब्रीच नहीं हो रहा है। आज बिल्कुल फ्लैट है मार्केट्स, निफ्टी बैंक में हलचल नहीं है, लेकिन जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें थोड़ा पुल बैक जरूर विजिबल था पिछले कुछ, अगर आज का सत्र देखें तो निचले से पुल बैक कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आज बैंकिंग क्षेत्र का पार्टिसिपेशन नहीं है। जहां पार्टिसिपेशन है वो है टाटा मोटर्स, जिसने आज 5% तेज़ी दिखाई है निफ्टी पे, उसकी वजह से आज निफ्टी पे थोड़ा सा पुल बैक विजिबल हुआ। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम है और हीरो मोटोकॉर्प बाजार को लीड कर रहा है। एलएनटी जैसे स्टॉक्स में एक पुल बैक आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिन्होंने आज बाजार को संभालने की कोशिश की है, लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें आपको आईटी के प्रोमिनेंट नेम्स दिखेंगे, जैसे कि आज के सत्र में विप्रो जैसे स्टॉक्स पर गिरावट थी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स आज लुढ़कते हुए नजर आए। ऊपरी स्तरों पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज निफ्टी का टॉप लूजर साबित हो रहा है, और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम आज लूज हुआ है। पावर ग्रिड अब 178-179 की जोन पे कामकाज कर रहा है। ऑप्शंस के हिसाब से आज फिर से 8600 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 8600 की पुट का वो लगभग 7.63 लाख के आसपास है, और 8600 की कॉल में 6.5 लाख से ज्यादा का एडिशन आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। कोई डायरेक्शनल मूवमेंट मार्केट्स पे है नहीं। मेरे साथ जेके जैन जी जुड़े हैं कारवी स्टॉक ब्रोकिंग से। जेके, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आप यहाँ से क्लाइंट्स को सजेशन क्या दे रहे हैं? एक रेंज में बने हुए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये ब्रेकआउट किस साइड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स पे जो होगा? तो देखिए, आई थिंक जिस हिसाब से ऑप्शंस में अगर देखोगे 8600 के पुट में जो राइटिंग देखने को मिल रही है, क्लियरली संकेत दे रहा है कि 8500 होल्ड करना चाहिए। बट ओवरऑल कहते हुए भी अभी नहीं लगता कि अपसाइड सिग्निफिकेंट होगा। इवन इंडेक्स में देखिए, बैंक निफ्टी फ्लैटिश है, जो है मेजर वेटेज है निफ्टी में। दूसरा होगा आईटी, जो सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है, वो काफी वीक लग रहा है। यहाँ पे आज का मार्केट में देखिए, एलटी, रिलायंस या टाटा मोटर, इन स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ दिखाया है, इसी वजह से एक मार्केट निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मिक्स्ड बैक काइंड ऑफ इन पोजीशंस है, तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। हमें नहीं लगता सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इमीडिएटली देखने को मिलेगा, हमें लगता है कि दायरे में घूमेगा। अभी जो फिलहाल ट्रेंड है वो डाउन साइड में दिख रहा है, तो ऊंचा पे सेलिंग करने के लिए सलाह दूंगा। 8620 का एक स्टॉप लॉस ला के शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। नीचे में जैसे आपने बताया 8540 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो टूटता है तो 8500 लेवल तक देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तर पर दबाव यानी कि सेल कॉल कार्वी की ओर से, लेकिन आज यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई वो भी आधे आधे फीसदी की गिरावट के साथ हुई है। कैक और डैक्स जो ओपन हुए उसमें कैक 24 पॉइंट्स नीचे और जो डैक्स है उसमें अब 70 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि आधे आधे फीसदी की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। प्रदीप सुरेखा साहब मेरे साथ जुड़े हैं कैलाशपूजा.com से। प्रदीप दिन नमस्कार सर, ये बात हो रही है एक रेंज में फंसे हुए हैं, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी सर? देखिए वीरेंद्र, जिस तरीके का बाजार का सेटअप है, इसका तो स्ट्रक्चर तो खराब हो ही चुका है, और ये लग रहा है कि डाउन साइड ही बाजार में और थोड़ी सी ओपन है। अभी पूरा सेटअप देखते हुए और जो स्क्रीन देखते हुए है, हम एक रेंज में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि बाजार में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आपको अगर ट्रेड करना ही होगा तो शॉर्ट साइड का ही करना होगा। और मेरे हिसाब से स्पॉट निफ्टी में अगर आप 8620 के स्टॉप लॉस पे शॉर्ट कर देते हो तो नीचे कहीं भी आपको 8520 या 8500 तक के लेवल बाजार में देखने के लिए मिल सकते हैं। राइट, ठीक है, फिर कौन से स्टॉक पे बेट लगाना चाहिए सर? देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल ही लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं निफ्टी जो शॉर्ट कर रहा हूँ इसमें बहुत कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो तरीका है उसको देखते हुए तो शॉर्ट करने की कॉल लेना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट मैं एक पेयर की तरह अशोक लीलैंड को बाई करना चाहूंगा। सुबह से आप देखोगे या इस पूरी सीरीज के शुरुआत से ही देखो तो स्टॉक में थोड़ा सा दम है और स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। एक बार ये यहाँ से 89-20-50 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मेरे को लगता है 92-50 तक के लेवल अशोक लीलैंड में आ सकते हैं। इसके लिए आप 87 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 87 के स्टॉप लॉस में आप अशोक लीलैंड को बाई कर सकते हैं। बहुत समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, आपको लगता है ये ब्रेकआउट का चांस बनेगा? इसमें एक पुल बैक ट्रेड विजिबल है सीरीज की शुरुआत में सर? जरूर, आप देखोगे शुरू से ही रवि है। एक तो इसका टेक्निकल चार्ट पे आप देखो तो कहीं भी 85-87 के बीच में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है और सीरीज की शुरुआत से ही ऊपर की तरफ ही जाने की चेष्टा भी कर रहा है। आज भी आप देखो तो कुछ गिने चुने स्टॉक प्लस है,
जिसमें ये 1% प्लस का मूवमेंट दिखा रहा है। और कुछ ये जो बातें भी चल रही है कि 15 साल के ट्रकों और बसों को जो स्क्रैप करने की बात है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इस स्टॉक में बन सकता है। और मैंने ये एक फेयर ट्रेडिंग की तरह लिया, जैसा कि मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि निफ्टी नो ट्रेड जोन में है, लेकिन आपको शॉर्ट ही करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं इसके एक पेयर की तरह ही लेना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, मार्केट्स आप रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 8500 तक के बेट लगा रहे हैं आप, लेकिन अशोक लेलैंड आपको लगता है पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। 92 का टारगेट, 87 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। ए के प्रभाकर जी जुड़े IDBI कैपिटल से। मिस्टर प्रभाकर, वेलकम टू जी बिजनेस, व्हाट्स योर टारगेट ऑन निफ्टी? गुड आफ्टरनून मिस्टर रजत। Now I have a negative view on Nifty. Almost I think the high for 2016 is over. So I have a short with a stop loss of 86.30. Target on the downside is 84.50. Okay, right. And which is the counter which you will recommend for sell? See, pharma stocks on a whole is looking weak. I have a sell on Lupin with a stop loss of 15.30. Target on the downside is 14.20. ओके राइट, ल्यूपिन एक सेल कॉल है जिसमें 14-20 का टारगेट है और 15-30 का एक स्टॉप लॉस IDBI कैपिटल की राय बिकवाली की सर ल्यूपिन पे और बाजार पे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। विकास सोलंकी जी से जुड़े निर्मल बैंक से। विकास जी नमस्कार सर, आप निफ्टी पे क्या व्यू लेके चल रहे हैं, कोई डायरेक्शनल मूव या फिर आप भी मानते हैं कि 8500-8620 इस दायरे में कामकाज होगा? जी देखो, आज जैसे मॉर्निंग में 85-40 के आसपास एक बार फॉल आ चुका था, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से जब तक 85-40 ब्रेक कर रहा है तो एक नया शॉर्ट करना चाहिए। बिलो 85-40 जा रहा है तो ही शॉर्ट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे वेट करना चाहिए। आज डेज है, अगर वापस ब्रेक कर रहा है निफ्टी 85-80 के ऊपर वापस अगर यहाँ से निकल रहा है, तो मुझे लगता है वापस एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। अपर साइड में 86-40 के टारगेट के लिए यहाँ से मैं बाय करके जाना चाहूँगा, बट अबाउ 85-80 के ऊपर। राइट, ठीक है, कौन से स्टॉक पे बेट लगाना चाहिए फिर? मुझे हिंडल को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है, जो सुबह से एक अच्छा खासा पकड़ के रखा है, तो यहाँ से 51-53 का एक स्टॉप लॉस रख के 165 के टारगेट के लिए हिंडल को बाय करके जाना चाहिए। चलिए, हिंडल को आपके रडार पर आप मानते हैं इसमें तेजी रहेगी, निचले स्तरों से खरीदा जा सकता है, 153 का एक स्टॉप लॉस लगा के 165 के टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। देखिए मार्केट्स तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए उसमें एक तो ये हिंडल को हो गया जिसमें निर्मल बैंक की खरीदारी की राय आई है, इसके अलावा जहाँ पर खरीदारी की राय है वो इनफैक्ट बिकवाली की सलाह ल्यूपिन पे है। फार्मा स्टॉक्स पे वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और IDBI कैपिटल की राय है कि ल्यूपिन बेचें 1420 के लक्ष्य के लिए, 1530 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। और खरीदारी के रडार पर है कैलाश पूजा के अशोक लेलैंड, जिसमें एक पुल बैक ट्रेड वो समझते हैं कि होता हुआ नजर आएगा। 92 का टारगेट है और 87 का एक स्टॉप लॉस। लेकिन अमेरिका में एक बार फिर से जो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, उसका असर क्या होगा कि नहीं, इस पे हम बार बार जानकारों से बात कर रहे हैं। और HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दीपक जसानी के मुताबिक फेड ने अगर दरें एक से ज्यादा बार बढ़ाई तो बाजार गिरेगा। जिस तरह से ये प्रिपेयर कर रही है, उस तरह से ये लग रहा है कि अनलेस जब वो रेट हाइक होगा और तभी इंडिकेशन मिलेगा कि सीरीज ऑफ रेट हाइक आने वाले है, अगर वही सिचुएशन में बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। अगर ये सिंगल एक बार का रेट हाइक है और उसके बाद वो बोलेंगे कि हम वी विल वॉच फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स एंड देन टेक द नेक्स्ट डिसीजन, देन बहुत बड़ा डैमेज शायद नहीं है। जिन्होंने भी अब्रॉड में लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करके इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है, वो सारे ये पॉसिबिलिटी के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। तो या इमर्जिंग मार्केट से बहुत बड़ा आउटफ्लो होगा ये एक रेट हाइक से, ये मानना थोड़ा सा गलत होगा। तो है, फाइनेंशियल्स है, सीमेंट है, ये 3-4 सेक्टर हमें और भी पसंद है। ऑटो में जैसे सबको पता है 7 पे कमीशन आउटफ्लो है, ओरोप है और मॉनसून है, ये तीनों कारण से